मेरे साथ दो लोग ऐसे बैठे हुए जब मुझे ऐसा लगता है जो शायद मेरा शो सुन चुके हैं. एक ने तो बोल दिया कि आई लव योर शो, उनकी टी शर्ट पे ऐसा लव लव लिखा हुआ है. आई रॉन, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? हाय ना, हाउ आर यू? वेरी वेल, थैंक यू. आप लोग इतने अच्छे लग रहे हो आज भी और हैक में भी. थैंक यू, मेनी कंग्रेचुलेशंस. कितने मिलियंस पहले दिन ही 4 मिलियन हो गया था. थैंक यू. इट वाज ट्रेंडिंग. इट वाज ट्रेंडिंग फॉर 5 डेज. वाओ. या इट ट्रेंडेड, द ट्रेलर ट्रेंडेड फॉर 5 डेज एंड प्लस हमारे दो गाने आ चुके हैं, दोनों गाने भी ट्रेंड कर रहे हैं. वाओ. द सेकंड सॉन्ग इज स्टिल ट्रेंडिंग. इन द मॉर्निंग इट वाज ऑन नंबर 2. सो या, इट्स बीन क्वाइट अ गुड रिस्पांस फ्रॉम द ऑडियंस. So the first question that I got when I just, you know, we humne ek insta post dala tha ki Hina is coming in. Haan, I saw that. Mujhe lag raha tha main hi bol dun ye question. Chalo bol hi do. RJ Hina answering to celeb Hina. Ye aisa hone wala hai ki unko, unhone hamara insta post dekh ke socha ki main khud ko kya question puchungi. Main khud ko kya question puchungi. I think RJ Hina, एक्टर हिना से पूछना चाहेगी कि बहुत लोगों आपसे पूछते हैं अक्सर कि आप जो अपने डैड के साथ वीडियोस बनाती हैं वो प्लान्ड होते हैं या फिर दे आर जस्ट रैंडम इम्प्रॉम्प्टू. सो एक्टर हिना, क्या आप इसका जवाब देना चाहेंगी? नो, एक्चुअली दे आर इम्प्रॉम्प्टू एंड माई डैड डजंट नो अबाउट देम. और मेरे पापा बहुत एम्बेरस हो जाते हैं, बट मैं फिर भी उनके साथ ऐसी एम्बेरसिंग हरकत करती हूँ क्योंकि मेरे फैंस को बहुत अच्छा लगता है मेरे डैड के साथ वीडियोस. ओह, थैंक यू सो मच हिना. आई थिंक एक पूरा शो ना मेरा काम हो गया, मैं बोल बोल करके जा रहा हूं. ओके, हैक है, बहुत ऐसा बोल्ड कॉन्सेप्ट हमने उठाया है. रोन, व्हेन यू फर्स्ट केम टू नो आप ये करने वाले हो, आपका रिएक्शन क्या था? मैंने जब पहली बार स्क्रिप्ट मुझे स्टोरी कहा गया तो मैं तो एक्चुअली कैरेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था टू प्ले दिस कैरेक्टर विवेक. तो मैंने एक्चुअली बहुत ज़्यादा सोचा नहीं, आई जस्ट जम्प्ड इनटू इट बिकॉज इट्स अ ड्रीम रोल टू फॉर एनी एक्टर. तो आई वॉज जस्ट टू एक्साइटेड. द थर्ड सेक्सीएस्ट वुमन आप तो वैसे खुश हो गए होगे कि मतलब दिस होल जो टाइटल एक मिल गया है एंड यू नो व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग यू नेवर इमेजिन. हम कभी सोचते नहीं कि हम ऐसे ऐसे लेवल पे पहुंचेंगे. व्हेन दिस हैपेंड टू यू, हाउ वर यू लाइक टेकिंग इट? सी, आई हैव बीन इन द लिस्ट फॉर क्वाइट अ सम टाइम सिंस मेनी इयर्स नाउ एंड दिस टाइम इट वाज लाइक आई वाज ऑन द थर्ड नंबर आफ्टर आलिया एंड दीपिका. बट यू नो व्हाट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज जस्ट फैन लव एंड my fans vote for me and this happens. I think you should not take down it to your head. Mm-hmm. So, mere liye it's just a list. Fan love. Khush ho. Thoda sa acha feel karo. Aur aage apne kaam pe concentrate. Kaam pe dhyan do. And Hina is amazing and so modest and so like down to earth about it. Movie pe wapas aate hain. Ek aisa role jab aata hai. बच्चा वैसे है नहीं है, नहीं है, 26 साल का है, 25-26 साल का है. अदर देन दैट, ऑफ कोर्स चैलेंजिंग था, इजी नहीं था क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव इशू है. और 4 महीने में बिट्स एंड पीसेस में हमने फिल्म शूट की और हर दिन इट यूज टू बी लाइक बहुत ज्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़ता था कि क्या क्या होता है. हैकर्स आप लड़कियों की जिंदगी कैसे खराब करते हैं, क्या क्या होता है गर्ल्स के साथ. मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई एंड आई वाज रियली रियली सैड अबाउट इट कि कितना बुरा होता है. आई ब्रोक डाउन ऑन सेट्स मेनी अ टाइम्स. सो व्हेन यू विल वॉच द फिल्म यू विल नो कि इतना बुरा होता है इसके साथ, इतना बुरा होता है कि ये बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम स्टेप उठा लेती है. आई थिंक दिस इज जस्ट नॉट डन. I was going to come and ask about this. कभी आप लोग के साथ personally ऐसा हुआ है कि अपना social media handle कुछ hack sort of हो गया, troll हो गया? Hack तो नहीं हुआ है, but वो messages आते हैं that somebody is trying to change your password and वो messages आ जाते हैं from Facebook or Instagram. तो वो yeah with me also. Every second day it happens on my registered number. Every second day I get a message, your Twitter, new Twitter password is this, your new Instagram password is this. And then I get to know, okay, someone somewhere in the world is trying to hack my Instagram and Facebook and Twitter. And then you do what? कुछ नहीं करती हूँ, चुपचाप सो जाती हूँ, क्या करूँ? That is, I think वो regular हो चुका है वो. Yes. पर ये जो ऐसे थोड़े से obsessed lovers हो जाते हैं, वो हमारे साथ भी ऐसे कई बार होता है. वो बाहर आके बैठ गई, नहीं मैंने आपको सुना, आपने बोला था. एक कोई यहाँ पे आ गई थी अपने बच्चे के साथ कि मेरी पति से लड़ाई हुई है, आपने किसी को उस दिन नौकरी दिलाई थी, आप मुझे भी दिलाओ. कभी कैसे कर सकते हो मैडम? सी, दिस इज नॉट एन एचआर कंसल्टेंसी फर्म. सी,
But it must have happened to you. Well, that has happened a lot. Yeah. All that has happened. But that's all fan love. I wouldn't really consider it like a typical stalking and all. But yeah, pura pura din baith ke wo intezaar karte hain. Ek photograph se pata laga lete hain ki location kya hai, building kaun si hai aur wahan pahunch jate hain. Just by clicking a picture. I've not put any location. But they figure it out and they come. So that's all fan love. But I have not aise maine koi stalking aur aisa koi experience. Main to maar dungi, mujhe koi stalk karega. I will straight away go to him. I'll hold his collar and say, kya chahiye be? Chahiye kya? Chahte kya ho? Is she like this? Like, it's thodi gundi types on set? Yeah, she bullies me a lot. Camera chalu kar. Yeah, they've given me a name. That bully is my cheap thrill. Yeah, bully. Aap aise backbencher ho pure? Main bully hoon bahut badi. Haan, kya kiya? Batao, Rohan. It's a good time. नहीं मतलब वो ऑफ स्क्रीन जितना बोले कर ले, ऑन स्क्रीन तो मैं करता हूँ ना. ऑन स्क्रीन ये करता है, ऑफ स्क्रीन मैं करती हूँ. आई थिंक या आई थिंक आई विल टेक इट. दिस इज बीइंग सच अ ब्रिलियंट चैट. मैंने बिल्कुल ऐसा सोचा, मैंने क्वेश्चंस की तरफ देखा नहीं. आई डोंट नो इफ यू गाइस, मजा आ गया. ओके ठीक है, एज़ लॉन्ग एज़ वी गेट इट. 95.5 रेड एफएम बजाते रहो.